तो हम लोग फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स में थे, ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो ये 2 kg का मास है। अब के तुम्हें ना म्यू की दो वैल्यूज दे रखी है, म्यू एस 0.4 और म्यू के 0.3। और अगेन तुम्हें इसमें एक टाइम वेरिंग फोर्स लगा हुआ है, एफ इक्वल टू 2t। तो तुम्हें ए वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसी भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप होता है 3 चीजें निकाल लो। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस एन, म्यू के एन या फिर म्यू एन, कुछ भी कह लो। तो यहां पे ये बताओ एन की वैल्यू एम जी, इसका मतलब 20 हो गया। म्यू एस एन 8, म्यू के एन 6, ठीक हो गया ना? यहां तक तो सही हो गया बेटा जो है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तक फोर्स 8 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक ये मूव नहीं करेगा। क्यों? जब तक फोर्स 8 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक मूव नहीं करेगा। और 8 न्यूटन होने में कितना टाइम लगेगा इसको? 4 सेकंड। क्यों? 8 न्यूटन होने में 4 सेकंड लगेगा, तो 4 सेकंड तक तो कुछ नहीं होगा बेटा। क्यों? ये ए है, ये टी है। फोर सेकंड तक तो ये रहेगी कहानी। अब ध्यान से देखना, 4 सेकंड बड़ा क्रिटिकल है बेटा जो है। 4 सेकंड पे क्या था? देखो इधर 8 लगा था और इधर भी 8 लगा था जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर मोशन। और ये बताओ जस्ट आफ्टर मोशन, ये तो 80 है लेकिन ये 6 हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ जस्ट आफ्टर मोशन दिलप्रीत, बता ये समझ में आया कि नहीं आया? मोशन के जस्ट पहले, ये 4 सेकंड पे बना रहा हूं मैं, 4 सेकंड पे ये फिगर है बेटा जो है। मोशन से जस्ट पहले 8 और 8 था, मोशन के जस्ट बाद 8 और 6 हो गया। इसका मतलब जब ये स्टार्ट होगा तो कुछ एक्सीलेशन के साथ स्टार्ट होगा, समझ गया ना? ए इनिशियल कह दे रहा हूं, चलो मैं इसको, तो ए इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ? 8 - 6 अपॉन मास 2। क्यों? इसका मतलब 1 m/s² इतने से स्टार्ट होगा, कुछ हो गया जो है? नहीं, 1 m/s² से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे डॉटेड तुम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दोगे। अच्छा, जब भी वैल्यू ना सडन चेंज होती है तो उसको डॉटेड से दिखाते हैं बेटा जो है। तो ये 1 m/s² से स्टार्ट होगा। और अब तो सिंपल सी बात है कि बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स बढ़ता जा रहा है ना। एक बात बताओ, ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। क्यों? ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब अब एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा बेटा जो है? ये हो गया।
अच्छा मान लो मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, ये कितना होगा देखो, एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास, ये होगा। अब एफ की वैल्यू हो गई 2t, फ्रिक्शन हो गया 6 अपॉन मास 2। इसका मतलब ए की इक्वेशन क्या बन गई बताओ, टी माइनस 3 बन गई, बस एनडी बता, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है ये समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। हाँ लीनियर इन टी है वो, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी होगी, क्यों फिर स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप कितना है बाय द वे 1, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री होगा, और जिसका वाई इंटरसेप्ट कितना है -3 है, क्यों -3, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री। अच्छा वैसे भी तुम एक चीज देखो ना, ध्यान से देखना, जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड ए की वैल्यू टी माइनस 3 आ रही है, तो बिल्कुल अगर मैं ए एट 4 सेकेंड निकालूं तो जरा देखो कितना आ रहा है बेटा, ये बताओ 4 माइनस 3 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसी में एक चीज और देखो गोपी, देख बेटा ये 8 है, ये भी 8 है, हाँ ये हो गया। अब तूने क्या किया, पीछे वाला जो फोर्स है थोड़ा सा कम कर दिया बेटा जो है ना, ये 8 है, ये एकदम से डिक्रीज कर दिया, 6 कर दिया, तो ये आगे को जर्क लेगा कि नहीं लेगा बता जो है भाई। एक क्या हो रहा है देख, आगे को 8 लगा हुआ है, पीछे को 8 लगा हुआ है, अब जो पीछे वाला फोर्स है वो तूने एकदम से थोड़ा कम कर दिया, एंडी समझ में आ रहा है बेटा, पीछे वाला फोर्स एकदम से तूने कम कर दिया, तो ये आगे को, हाँ ये एकदम से आगे जर्क टाइप का लेगा कि नहीं लेगा बता जो है। हाँ समझ गए ना, जर्क टाइप लेगा, उसी को मैं एक्सीलरेशन कह रहा हूं एक तरीके से, ये कह ले दिलप्रीत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये बता जो है कि पहले ये 8 और 8 था, फिर तूने पीछे वाले फोर्स को एकदम से कम कर दिया, नहीं है सडनली 2 न्यूटन कम कर दिया बेटा जो है, तो वो आगे को जर्क लेगा, एकदम से आगे को जर्क लेगा ये, हाँ सडनली एकदम से एक्सीलरेशन मिलेगा उसको, ये कह ले। अच्छा इसी को थोड़ा सा और भी कह सकते हैं, देख एक बात बता कि चेंज इन फोर्स वो 2 न्यूटन का आया ना, मतलब तूने 2 न्यूटन का फोर्स कम किया, क्यों एक तरीके से 2 न्यूटन का फोर्स कम किया कि नहीं किया बता जो है, दूसरे एंगल से देखेगा तो 2 न्यूटन का फोर्स कम किया, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना मिलेगा बेटा ये बता, बिल्कुल शुरुआत में एक्सीलरेशन कितना मिलेगा 2 अपॉन 2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे मैंने तुम्हें बता दिए क्या होगा, कि पीछे की डायरेक्शन में अगर फोर्स कम करोगे तो एकदम से आगे को जर्क मिलेगा तुम्हें, उसी को मैं एक्सीलरेशन कह रहा हूं, या दूसरे तरीके से कह दो कि फोर्स को मैंने 2 न्यूटन कम कर दिया, चेंज इन फोर्स 2 न्यूटन हो गया, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन आएगा वो मास से डिवाइड करो वही आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये काफी लॉन्ग प्लैंक है ध्यान रखना, और ये स्मूथ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये लेकिन रफ है,
और इसमें जो म्यू दिया हुआ है, अभी म्यू की एक ही वैल्यू ले लेते हैं, 0.6 ले लेते हैं, और ये 1 kg है, ये 2 kg है, इसमें वही टाइम वेरिंग फोर्स लगा रहा हूं मैं। तो तुम्हें A1 और A2 वर्सेस टाइम ये ग्राफ ड्रॉ करना है। A1 एंड A2 वर्सेस टाइम ये ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले कंसेप्ट सुनते हैं। सुन भाई, 2 kg तो समझ में आ रहा है कि इसलिए जाएगा क्योंकि तुमने फोर्स लगाया, ड्यू टू फोर्स, समझ गए ना। 2 kg तो इसलिए मूव कर रहा है, इसका तो लॉजिक समझ में आता है कि यार ये इसलिए मूव कर रहा है कि उस पर फोर्स लगा है, लेकिन उसके साथ में 1 kg क्यों मूव कर रहा है, उस पर तो मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा। एक बात बताओ, तुमने देखा नहीं कि बेटा, एक बात बताओ कि अगर, हाँ तुम एक बात बताओ, तुमने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया है? जैसे एक बुक है, उसके ऊपर तुम डस्टर रख दो मान लो, अब तुम अगर बुक को खींचोगे तो उसके साथ में डस्टर भी खींचा आता है, क्यों? आपने बुक को अगर खींचा तो डस्टर भी खींचता है बेटा जो है, क्यों? तो उस पर तो तुम फोर्स लगा नहीं रहे हो, देखा जाए तो जो है वो क्यों आ रहा है जो है, वो आएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, हाँ बिटवीन 1 kg एंड 2 kg। ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा ना, पहले बताओ, लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ देखो ऐसा होगा बेटा जो है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन आगे होगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे होगा, और इस पे तो F इक्वल टू 2T लगाई है, लेकिन इस फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम लिमिट है ना, बताओ क्लियर है कि नहीं है? इस फ्रिक्शन की तो एक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक, और वो लिमिट कितनी है? म्यू टाइम्स एन, ठीक। म्यू कितना दिया हुआ है मैंने? 0.6, और एन का मैं तुम्हें याद दिलाता हूं क्या होता था बेटा जो है, मास अबव दैट, अबव दैट इनटू जी इफेक्टिव, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, पूरा बेसिक से चलते हैं ना तब मजा आता है बेटा जो है, ये बताओ ये है कि नहीं है बेटा जो है, मास अबव दैट इनटू जी इफेक्टिव, और उसके ऊपर जो मास है वो, हाँ वो तो है 1 kg, और जी इफेक्टिव अभी जी ही है क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सीलेशन नहीं है, ध्यान रखना, इसका मतलब 10 है, क्यों? तो फाइनली खैर 6 न्यूटन का फोर्स है इसके पास मैक्सिमम, बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ जो है, इसका मतलब ऊपर वालों, ऊपर वाले को 6 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स मिल सकता है, तो इसका मतलब ये 1 था, ये 2, A1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है बताओ जो है, 6/1, 6 m/s² दिलप्रीत बता बेटा जो है, ऊपर वाला फ्रिक्शन से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है
तो इसका मतलब ऊपर वाले का एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन ले जा सकते हो तुम जो है, नहीं बता जो है मैक्सिमम ले जा सकते हो, तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले जा सकते हो बस जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि टिल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बताओ क्लियर है भाई, 6 तक तो वो चल ही सकता है ना, मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन टू। हाँ इसका मतलब बोथ विल मूव विद ए कॉमन एक्सलेशन। क्यों? हाँ विद ए कॉमन एक्सलेशन एज सिंगल बॉडी। क्यों? और उस एक्सलेशन को मैं कितना कह सकता हूं बताओ, जो है NPF अपॉन TM। बताओ क्लियर है, बताओ उस एक्सीलरेशन को मैं क्या कह सकता हूं, एनपीएफ अपॉन टीएम। और एनपीएफ यहां पे 2T हो गया और टीएम यहां पे हो गया 1+2, इसका मतलब 2/3T हो गया। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है, और जरा देखना ये इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स से मिल रही है। आप देखो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स से मिल रही है ना, अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स से मैच कर रही है, लेकिन ये इक्वेशन कब तक चलेगी जरा बताओ, टेल ए की वैल्यू, नहीं ए की वैल्यू 6 नहीं हो जाती बेटा, टी नहीं ए की वैल्यू, गोपी ये बता ए की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, ये है बेटा जो है ए की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। और ए की वैल्यू 6 जरा देखो कितने टाइम में होगी, टी इक्वल टू कितना होगा बताओ जो है, मेरे ख्याल से 9 सेकंड होगा, तो ये कह लो बस हो गया, तो 9 सेकंड तक तो दोनों एक साथ चलेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, मतलब ये हो गया ऐसे कह लो, ये 9 सेकंड हो गया और ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इक्वेशन क्या बनी, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a इक्वल टू 2/3 t। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो बताओ टेन अल्फा की वैल्यू 2/3 होगी बस। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब क्या सुनो, आफ्टर 6 सेकेंड फ्रिक्शन ऑन वन ये तो फिक्स हो जाएगा और वो 6 न्यूटन हो जाएगा। क्यों समझ गए ना, 6 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 पे जो फ्रिक्शन होगा वो तो फिक्स हो जाएगा कह लो। इसका मतलब 1 का जो एक्सीलरेशन होगा वो फिक्स हो जाएगा और वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा a1। ये क्लियर हो गया, वन ऊपर वाला है बेटा ध्यान रखना, ये हो गया। लेकिन एक्सीलेशन ऑफ टू ये बढ़ता चला जाएगा, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज एफ इक्वल टू, हाँ 2T,
ये इंक्रीज कर रहा है बस। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है, क्योंकि उस पर जो एफ इक्वल टू टी था वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्लोप बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना, बट स्लोप विल ऑल्सो इंक्रीज। ये हो जाएगा ए टू। अब तुम कहोगे स्लोप क्यों बढ़ रहा है, हाँ ध्यान से देखना स्लोप क्यों बढ़ रहा है, वो ध्यान से देखना, दोनों ब्लॉक्स जो मूव कर रहे हैं वो एफ इक्वल टू टू टी फोर्स से मूव कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली तो ये सोर्स है ना देखा जाए तो। दिलप्रीत बता बेटा ये सोर्स है या नहीं, बता, दोनों को मूव करवाने वाला सोर्स क्या है, एफ इक्वल टू टू टी है बेटा, ठीक। अब 6 सेकंड तक क्या हो रहा था, उसको दोनों का ध्यान रखना पड़ रहा था, 1 kg और 2 kg दोनों का ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 सेकंड के बाद उसने फिर ऊपर वाले ब्लॉक की चिंता करना छोड़ दिया बेटा जो है, कि यार तू कर जो तेरे को करना है कर तू जो है, ठीक। अब वो केवल क्या कर रहा है, 2 की चिंता कर रहा है जो है, तो एक तरीके से मास कम हो गया, तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ जो है। गोपी हाँ गोपी ध्यान से देख बेटा जो है, दोनों के मोशन का जो सोर्स है वो अल्टीमेटली क्या है बेटा बताओ जो है, दोनों के मोशन का जो सोर्स है वो एफ इक्वल टू टू टी फोर्स है। अब 6 सेकंड तक क्या था कि वो दोनों का ध्यान रख रहा था, चलो यार दोनों चलते हैं फिर कोई बात नहीं हुआ, ठीक, लेकिन 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, 6 सेकंड के बाद उसने क्या किया कि यार जो है तू बेटा गड़बड़ है तेरी कहानी, ठीक है, तू तो अपना वो कर ले, अब मैं केवल 2 को देखता हूँ, बस हो गया जो है, तो बस हो गया ऐसे कह ले, तो इसका मतलब मास कम हो गया तो अब तेजी से बढ़ेगा एक्सेलरेशन, फिर तेजी से बढ़ेगा। एनडी बता बेटा समझ में आई बात नहीं आई, एनडी बता बेटा जो है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब इसको मैं एक मिलते जुलते एग्जांपल से बताता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी सुन, जैसे मान ले, हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी इक्वेशन बन रहा हूँ, अच्छा चल बता देता हूँ सर, आफ्टर 6 सेकंड देख, ये तो हो गया 6 न्यूटन फिक्स, ये भी हो गया 6 न्यूटन फिक्स, अच्छा मैं बार बार 6 सेकंड तो नहीं बोल रहा था, बोलते समय देख लेना, बोलते समय हो सकता है मैं 6 सेकंड बोल लूंगा, ये 6 न्यूटन फिक्स हो गया है, और इसमें लगा हुआ है एफ इक्वल टू टू टी, ये 1 kg है, ये 2 kg है। अब दिलप्रीत जरा देखना, इसका जो एक्सेलेरेशन आया ए वन वो 6/1 6 m/s² ये बता फिक्स हो गया, और इसका जो एक्सेलेरेशन है देख ए टू वो 2t - 6/2 तो इसका मतलब ए टू की वैल्यू t - 3 बता क्लियर है विपरीत, बता क्लियर है। अब जरा देखना अब स्लोप कितना आ गया, जरा देख अब स्लोप 1 आ गया कि नहीं आ गया बता, स्लोप 1 आ गया ना, पहले स्लोप क्या था, टू बाई थ्री था,
तो स्लोप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताइए, ये हो गया स्लोप, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सुन, ये है एनडी, ये है गोपी, ये दोनों फास्ट फ्रेंड है बेटा, बिल्कुल अब मैं यहां पे इस पे ड्राइविंग फोर्स हूं डीसी, मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं ड्राइविंग फोर्स, फॉर स्टडीज, मेरे को एनडी से कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना, एनडी गोपी का दोस्त है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है बेटा जो है। ठीक, अब क्या हो रहा है, मैंने इससे कहा, मैंने कहा गोपी यार 2 घंटे पढ़ तू, अब डेली 2 घंटे पढ़ लिया इस मैंने तो 2 घंटे पढ़ ओके, मैंने कहा सर एनडी भी मेरा दोस्त है, उसको भी कुछ गुरु मंत्र दो, तो वो भी 2 घंटे पढ़ने लग गया बेटा जो है। फिर मैंने गोपी से कहा बेटा अब तू 4 घंटे पढ़ ले, तो वो कहने लगा सर वो एनडी भी जो है मेरा दोस्त है, जरा उसको भी गुरु मंत्र दो, तो वो भी 4 घंटे पढ़ने लग गया। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या है कि एनडी से मेरा डायरेक्ट लिंक तो है नहीं है, तो एनडी तो क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, कहेगा यार मैं अब भैया 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता जो है, वो भी समझ में आ रहा बेटा जो है, एनडी तो कर देगा सरेंडर कि मैं, क्योंकि वो दूसरे से ड्राइव हो रहा है जो है, नहीं बेटा जो है मैं डायरेक्टली उस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, वो तो कह देगा मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, पर मैं गोपी का कंटिन्यूसली जोर लगाता जा रहा हूँ कि अब तू 6 घंटे पढ़, अब तू 8 घंटे पढ़, तो क्या होगा, गोपी का तो बढ़ता जाएंगे आवर्स, लेकिन एनडी के 4 आवर्स क्या हो जाएंगे बताओ जो है, एनडी के 4 आवर्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। हाँ एनडी समझ में आ गया बेटा, तेरे पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है, मैं जीके पे वो लगाता जा रहा हूँ ना, फोर्स लगाता जा रहा हूँ, तो उसके तो चलो ठीक है बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन टेर पे तो मैं डायरेक्टली कुछ लगा नहीं रहा हूँ देखा जाए तो जो है, तो तू एक लिमिट के बाद क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, ठीक है मैं तो दोस्ती का लिहाज कर रहा था इसलिए पढ़ ले रहा था जो है, ठीक है 2-4 अदरवाइज तो मेरा मन नहीं करता पढ़ने में जो है, तो मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो ये कह रहा। अब उसी में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, सुनो तब और क्लियर होगा। ये बताओ कि जब मैंने a इक्वल टू npf अपॉन tm किया था, तो npf में मैंने केवल 2t क्यों लिया, ओनली 2t क्यों लिया, वाई नॉट फ्रिक्शन, बताओ। हाँ बिकॉज फ्रिक्शन तो दोनों सिस्टम के लिए कैंसिल हो जाएगा ना बेटा जो है, हम तो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्यों, ये f इधर है और ये f इधर है और इस पे 2t इधर लगा हुआ है, तो अगर मैं पूरे सिस्टम को देख रहा हूं जब वो एज ए सिंगल ब्लॉक चल रहा है बेटा जो है, तो इस पे जो npf है ये तो 2t है, क्यों, दिलप्रीत बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कि जब मैंने कॉमन एक्सलेशन निकाला उनका, नहीं है कॉमन एक्सलेशन निकाला, तो npf में मैंने फ्रिक्शन नहीं दिया बिकॉज वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या दूसरी बात बताना। हाँ 9 सेकंड पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं पूछूं कि 5 सेकंड में फ्रिक्शन कितना रहा होगा, तो देखो जो 1 kg का ब्लॉक था वो ड्यू टू फ्रिक्शन मूव कर रहा था,
बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ, 1 kg का ब्लॉक केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा था, ठीक। तो इसका मतलब 1 kg के लिए मैं सीधे सीधे F इक्वल टू एम ए लिख दूं। एंडी बता बेटा, जो है 1 kg का ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा था, क्यों? 1 kg का ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा था, तो 1 kg के ब्लॉक के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ए। अब एम कितना लिख सकता हूं? 1, और ए को मैं 2/3 t लिख दूं। टू बाई थ्री टी, और टी को कितना लिख दूं? 5। तो इसका मतलब ये आ गया 10/3 न्यूटन, इतना आ गया। मिहि का समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता। 1 kg का ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा था, क्यों? 1 kg का ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा था, तो 1 kg के लिए मैं F इक्वल टू एम ही लिख दे रहा हूँ, बस हो गया ये। अच्छा वैसे बाय द वे, ये बताओ कि 10 सेकंड में फिर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, बताओ? हाँ, ये तो अब फिक्स हो गया, क्यों? और कितने में फिक्स हो गया? 6 न्यूटन में, ये कह लो। अब चलते हैं अगले एग्जांपल में। ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये स्मूथ है, इस पे कुछ भी लगा दो, मान लो 4 न्यूटन लगा दो, और इस पे 12 न्यूटन लगा दो। और यहां पे लिख दो म्यू 0.4। तो तुम्हें A1 और A2 निकालना है, कितने होंगे? मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो। फ्रिक्शन की जो टेंडेंसी होती है, वो टू स्टॉप रिलेटिव मोशन होती है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? प्रीत बता, फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? जो है, हाँ, फ्रिक्शन हिट्स रिलेटिव मोशन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। इसका मतलब ये चाहेगा कि दोनों सेम एक्सिलेशन से मूव करें, क्यों? नहीं, बताओ। इसकी टेंडेंसी है टू मूव द ब्लॉक्स विद सेम एक्सलेशन। पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं है कि फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन को रोकने की, तो इसका, और रिलेटिव मोशन कब रोकेगा? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम एक्सलेशन। तो हम एक काम करते हैं कि ये देखते हैं कि यार उनको ना सेम एक्सलेशन मूव करवाने के लिए कितना फ्रिक्शन हमें चाहिए, ठीक है? लेट अस फाइंड एफ। टू मूव देम विद सेम एक्सलेशन। तो एक काम करते हैं, कि ऊपर वाले पे 4 लगा था,
नीचे वाले पे 12 लगा था, इस पे मैं इधर को F मान लेता हूँ, और इस पे इधर को F मान लेता हूँ। और मैंने तुमसे कहा कि ये मान लो A1 है और ये A2 है, तो A1 इक्वल टू A2 करके जरा देखते हैं। गोपी समझ में आ रहा है बेटा? A1 इक्वल टू A2 करके देखते हैं कि मुझे फ्रिक्शन कितना चाहिए। हाँ देखो, A1 कितना हो गया जरा देख, 4 + F / 1, और A2 कितना हो गया देख, सॉरी वहां पे F आएगा बेटा, 2 होगा 12 - F / 2। तो जरा देखना यहां से F कितना आ रहा है बेटा, जरा कैलकुलेट करके देखना F कितना आ रहा है, 8 4 3 4/3 आ रहा है मेरे ख्याल से, देखना 4/3। इतना चाहिए हाँ, मैं ध्यान रखना बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर फ्रिक्शन चाहता है कि कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो फ्रिक्शन ये चाहेगा कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो, और दोनों के एक्सेलरेशन सेम करने के लिए उसको इतना फोर्स चाहिए बेटा जो है। नहीं 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 मैंने दोनों के अलग अलग देखे ना बेटा, समझा नहीं, इसका 1 kg रखा, इसका 2 kg रखा, 3 नहीं आएगा वहां पे बेटा जो है दिलप्रीत, वहां पे 3 नहीं आएगा बेटा, ये बता। हाँ नहीं, अभी देखते हैं ना, पहले इतना फ्रिक्शन चाहिए, पहले ये देख रहे हैं कि उसको इतना फ्रिक्शन चाहिए, अब चेक करते हैं कि फ्रिक्शन है कितना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब यहां पे देखते हैं कि फ्रिक्शन कितना मिलेगा। देख फ्रिक्शन यहां पे कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, म्यू एन, हाँ बिल्कुल ठीक है, म्यू एन, और म्यू हो गया 0.4 और एन का मतलब उसके ऊपर जो वेट है 10, तो इसका मतलब 4 N मिल सकता है। हाँ 4 N मिल सकता है, इसका मतलब कंट्रोल्ड है सब कुछ, समझ गया ना। 4/3 मेरे को चाहिए था, पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है 4/3 N इतना मुझे चाहिए था। और मैक्सिमम 4 N वो अवेलेबल, तो इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है बेटा। अब ये बताओ कि सिचुएशन अगर कंट्रोल में है तो रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, बताओ। सिचुएशन अगर कंट्रोल में है तो रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, एक्सेलरेशन सेम होंगे। और बताओ फ्रिक्शन 4/3 N लगेगा या 4 N लगेगा, बताओ फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, 4/3 एक्ट करेगा। और एक छोटी सी बात और, फ्रिक्शन प्लस में 4/3 N आया हुआ है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शंस मैंने ली थी वो सही ली थी, समझ में आ रहा है एनडी। फ्रिक्शन प्लस में 4/3 N आया है, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शंस मैंने ली थी वो सही ली थी, गलत नहीं ली थी।
सही ली थी गलत नहीं ली थी, बस ये हो गया। ठीक, तो फाइनल फिगर अगर तू देखेगा तो अब क्या होगा सुन, फाइनल फिगर बेटा ऐसा हो जाएगा कि 4 न्यूटन ये लगा हुआ है और 4/3 न्यूटन ये लगा हुआ है, क्यों? और इसमें 12 न्यूटन ये लगा हुआ है और 4/3 न्यूटन इधर लगा हुआ है, ये फाइनल फिगर हुई। अब तुम चेक करके देख लो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल आ रहा होगा बेटा, ये A1 है और ये A2 है मान लो, तो जरा चेक करके देखो A1 कितना आया, A1 आ रहा होगा 4 + 4/3 upon 1 और A2 कितना आ रहा होगा देखो 12 - 4/3 upon 2 और चेक करके देख लेना दोनों इक्वल आ रहे होंगे। हो गया दिलप्रीत, अब एक का एक और करते हैं इसी में, तब थोड़ा और क्लियर होगा। इक्वल आ रहा है क्यों? अब एक काम करते हैं, डायरेक्शन भी कुछ उल्टी आ जाए ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है? ये 2 kg है और ये 3 kg है। अभी ग्राउंड स्मूथ ही चल रहा है, ध्यान रखना। और यहां पे म्यू की वैल्यू मान लो 0.3 दे रखी है और इस पे कुछ भी लगा लेता हूं मैं, F = मान लो लगा लेता हूं 25 न्यूटन और यहां पे लगा लेता हूं F = 4 न्यूटन। बस फोर नहीं 2 लगाता हूं, ठीक है? चाह रहा हूं सब गड़बड़ हो जाए ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाए कहानी। ये हो गया, तो फ्रिक्शन का एक रूल तो है ही है, जहां पे तुम्हें फ्रिक्शन मिल सकता है ना, वहां पे जो है निकाल के रख लो बेटा। जो है यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिल सकता है जरा निकाल लेते हैं। म्यू एन, म्यू का मतलब 0.3 और एन का मतलब उसके ऊपर जितना एक तरीके से वेट है 20, तो 6 न्यूटन जो है इतना मिल सकता है, ठीक है? अब सुनना हाँ, अगली हेडिंग जो मैं कर रहा हूं सब गड़बड़ करूंगा मैं, उल्टा सुलटा करूंगा सब। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप रिलेटिव मोशन और टू मूव देम विद सेम एक्सेलरेशन। ये कहते हैं, ठीक है? आप सुनो, ये 2 kg है, ये 3 kg है, उस पर 2 न्यूटन, इसमें 25 न्यूटन। अब मैं बिल्कुल ही उल्टा मान लेता हूं, ठीक है?
मेरे में क्या फर्क पड़ना। मैं मान लेता हूं कि मान लो इस पे एफ इधर को है, और इस पे मान लो इधर को है, और इधर को ये ए टू है और इधर को ये ए थ्री है, तो मैं चाह रहा हूं कि ए टू और ए थ्री इक्वल रहे बेटा। तो ए टू तो हो गया टू माइनस एफ अपॉन टू, और ए थ्री हो गया ट्वेंटी फाइव प्लस एफ अपॉन थ्री। पहले बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये बताओ बेटा, पहले ये बताओ इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो यहां से जो f निकल के आ रहा होगा, ठीक है, f निकल के जो आ रहा होगा वो मेरे ख्याल से माइनस 44 बाई 5 ये आ रहा है। देखना जरा, चेक कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, पहले बताओ। देखना जरा, गोपी देख बेटा, पहले बता यही आ रहा, पहले ही बता माइनस 44 पॉइंट अपॉन 5 आ रहा, पहले ही बता। हाँ तो माइनस 8.8 हो गया है एक तरीके से। अब बिल्कुल जड़ से चलते हैं, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस क्यों आ रहा है बता। हाँ इसका मतलब मैंने जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ली थी वो अपोजिट ली थी, क्यों, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ली थी वो उल्टी लेनी चाहिए थी। और कोई इसका मतलब नहीं है, एक तो ये हो गया। अब ये जो 8.8 न्यूटन मुझे इतना तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल कितना था। हाँ मैक्सिमम अवेलेबल था 6। तो बताओ सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है, बताओ सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है बेटा, जो है नहीं है, क्यों नहीं है। हाँ तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, अब बताते हुए चलो, रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, होगा। एक्सेलेरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, बताओ एक्सेलेरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, डिफरेंट। और बताओ फ्रिक्शन 8.8 लगेगा या 6 लगेगा, 6 लगेगा, समझ गए ना, फ्रिक्शन लगेगा 6 न्यूटन लेकिन उल्टी डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में, तो बस हो गया। अब तुम कर लो, जैसे ये था, ये 2 केजी था, इसमें मैंने 2 ये लगाया था, और अब इधर को लगाओगे 6 तुम, ये हो, ये 3 था, इसमें 25 इधर को लगेगा और 6 इधर को लगेगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फाइनल फिगर बनी बेटा, ये बताओ फाइनल फिगर जो बनी वो ये बनी, एंडी बता बेटा जो है, ये समझ में आ गया। अब जरा बता दे A2 कितना लिखूं मैं,
ए टू हो गया 2 + 6/2, तो ये 4 m/s² हो गया। और ए थ्री कितना हो गया, 25 - 6/3, इसका मतलब 19/3 m/s². और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ए टू और ए थ्री इक्वल नहीं है, क्यों? क्लियर हो गया? ठीक, अब जरा एक काम करते हैं, इसका थोड़ा कंक्लूजन लिख लेते हैं। टू ब्लॉक्स में क्या करोगे, सबसे पहली बात वो तो तुम्हें निकालना ही है बेटा, फाइंड एन, हाँ म्यू एन, म्यू एस एन, म्यू के एन। तो ये तो एक तरीके से ये हो गया, इतना अवेलेबल है हमारे पास, ये पता चल रहा है बेटा। क्यों? नहीं बताओ, इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि इतना अवेलेबल है बेटा। दूसरी बात, दूसरी बात हमें ये निकालने की रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, फाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन किस चीज के लिए जरा बताओ, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज के लिए बताओ, जो है फॉर नो रिलेटिव मोशन, या फॉर सेम एक्सीलरेशन। तो उसमें क्या करोगे तुम, जो है उसमें एक जनरल वैल्यू ऑफ एफ लगा दोगे, क्यों नहीं है, कैसे करोगे उसको, आओ अप्लाई जनरल वैल्यू ऑफ एफ, जनरल वैल्यू ऑफ एफ, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में लगाओगे दोनों में, एक पे अगर राइट पे लगा रहे हो तो दूसरे पे लेफ्ट पे लगाओगे, इन अपोजिट डायरेक्शंस, क्यों, इन अपोजिट डायरेक्शंस। और उसके बाद दोनों के एक्सीलेशन इक्वेट कर दो, क्यों, इक्वेट एक्सीलेशंस, एंड फाइंड एफ। समझ में आ गया गोपी, क्लियर हो गया ना क्या करना बेटा, जो है इक्वेट एक्सीलेशन एंड फाइंड एफ, और लास्ट में तीसरा काम होता है चेकिंग का बेटा, जो है चेक में बताते हुए चलना, बस हो गया पहली बात। अगर एफ नेगेटिव आता है तो क्या करोगे, हाँ फिर डायरेक्शंस चेंज करोगे, चेंज डायरेक्शंस। दूसरा, अगर एफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू,
है ना, एफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेस देन एफ मैक्स आता है, तो कंट्रोल्ड उसके आगे की कहानी तुम जानती हो, इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन और सेम एक्सीलेशन। और कितना अप्लाई करोगे, अप्लाई कैलकुलेटेड, हाँ कैलक्यूलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, क्यों? और लास्ट पॉइंट, अगर एफ की वैल्यू, एफ का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एफ मैक्स होता है, क्यों? तो फिर रिलेटिव मोशन होगा, एक्सलेशन डिफरेंट होगा और अप्लाई एफ मैक्स। ये कहानी है पूरी बेटा। दो ब्लॉक्स की जब भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई दे, सबसे पहला स्टेप एन फाइंड करो, म्यू एन फाइंड करो, म्यू के एन फाइंड करो, म्यू एस एन फाइंड करो, ये तो अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा, अब जरा देखें रिक्वायरमेंट कितनी है फ्रिक्शन की, लेकिन किस चीज के लिए, कि रिलेटिव मोशन ना हो, और रिलेटिव मोशन तब नहीं होगा जब एक्सीलेशन सेम होगा, तो एक जनरल वैल्यू ऑफ एफ लगा दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में, ध्यान रखना बेटा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में, और उसके बाद दोनों के एक्सीलेशंस को इक्वेट कर दो और वहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट करो, और उसके बाद फिर चेकिंग का मामला शुरू हो गया था कि मैंने तुमसे कहा था एफ नेगेटिव दिया तो उल्टी कर दो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अगर एफ मैक्स से कम है तो कंट्रोल में है सिचुएशन, तो फिर जितना तुमने कैलकुलेट किया था वही एफ लगाना है, और अगर वो एफ मैक्स से ज्यादा है तो फिर एफ मैक्स लगाना है, बस ये कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं थ्योरी ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा। मेरे ख्याल से बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेसिक क्या है एंडी, बता? बेसिक तो समझ में आ गया ना बेटा जो है। ठीक, अब सुन, अब जहां पे समझ में ना आए तो बता देना मेरे को। अब एक काम करते हैं, ये तो स्मूथ है, हाँ ये 1 kg है, ये 2 kg है, अब के इस पे तुम टाइम वेरिंग फोर्स लगाते हो, और यहां पे म्यू दिया हुआ है 0.8, तो तुम्हें वही करना है a1 a2 वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले तो यहां पे निकाल लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। म्यू एन, इसका मतलब 0.8 × 10, 8 N। ये तो ठीक है ना। अब सुनो, आपके 2 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन से मूव कर रहा है, क्यों? ये बताओ, आपके 2 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जो है। हाँ, और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट वो 8 N है,
इसका मतलब ए टू की मैक्सिमम वैल्यू तुम कहां तक ले जा सकते हो बताओ। ए टू की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले जा सकते हो? 8/2 4 m/s² यहां तक ये साथ चल सकता है, नहीं होता जो है 4 m/s तक ये साथ चल सकता है, उसके बाद नहीं चल सकता बेटा जो है। तो फाइनली ये हुआ देखना, हाँ ये चलेगा पहले, फिर ए टू तो हो जाएगा फिक्स और ए वन का एक्सप्रेशन बढ़ता रहेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ ये ग्राफ कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। और ये बाय द वे कहां तक चलेगी कहानी? 4 m/s तक। क्यों? ये हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं ये वाला और लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा, इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं। A1 = A2 = A = NPF / TM। बताओ सही है? दिलप्रीत बता बेटा, बता इस वाली की इक्वेशन बता क्लियर है कि नहीं है? दिलप्रीत बता बेटा जो है, A1 = A2 = A = NPF / TM और NPF कितना रहा? 2T, और टीएम कितना रहा? 3। क्यों? नहीं है 2m3, तो इसका मतलब ये हो गया 2/3T। तो अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा कहूं, क्यों, तो टेन अल्फा कितना हो गया? 2/3। अब जरा एक काम ये भी कर लेते हैं, नहीं स्टॉप नहीं करेगा बेटा, वो तो 4 m/s² में फिक्स हो जाएगा ना बेटा, फ्रिक्शन तो मिल ही रहा ना उसको, उतना तो चल ही सकता ना, 4 तक तो चल ही सकता ना, वो फ्रिक्शन की वजह से इस पे तो चलेगा ना बेटा। नहीं एक्सिलेटेड है बेटा वो, 4 m/s² का एक्सिलेशन है उसका, एक्सिलेशन कॉन्स्टेंट है बेटा। ए टू की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अभी बताता हूँ इसको, बाद में करता हूँ। सुन सुन, तेरी वाली बात बाद में करता हूँ, सुन ले बेटा। अब सुन, अब बात आती है कि ये वाला टाइम कितना रहा होगा। देख ये वाली जो इक्वेशन है वो कहां तक चल रही है बता जो है? ये इक्वेशन चल रही है जब तक ए की वैल्यू 4 नहीं हो जाती है, समझ में आ रहा बेटा? ये बता जो है, ये इक्वेशन कहां तक चल रही है जब तक ए की वैल्यू 4 नहीं आ जाती है? इसका मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया बता जो है? नहीं 6 हुआ मेरे ख्याल से, टी इक्वल टू 6 हुआ दिलप्रीत, जरा देख ये हुआ, तो इसका मतलब 6 सेकेंड हो। ठीक है, अब 6 सेकेंड के बाद क्या होगा? कोई बात नहीं, आफ्टर 6 सेकेंड ध्यान से देखना। हाँ वो तो रिलेटिव मोशन तो हो गया, इस पे लगा है 2T और इस वाले पे 8 न्यूटन फिक्स हो गया। हाँ 8 न्यूटन फिक्स हो गया बेटा। क्यों? तो इस पे भी 8 न्यूटन फिक्स हो गया। समझ में आ गया? तो अब जरा बताना बेटा A1 कितना हो गया, जरा बताओ A1 कितना हो गया? 2T - 8/1। क्यों? ये हो गया। तो ये वाली ये इक्वेशन है बेटा, ये वाली इक्वेशन।
अब जरा देखना स्लोप टू नहीं हो गया बेटा, ये बताओ। दिलप्रीत जरा बता बेटा, स्लोप टू आ गया कि नहीं आ गया बता। जो है ये हो गया, बस हो गया, अब स्लोप टू हो गया, जबकि पहले कितना था स्लोप? 2/3 था बेटा जो है। और इसी फिगर में तेरे को लग रहा होगा कि 8/2 कितना होगा बता, 8/2, 4 m/s², क्यों? और ये क्वांटिटी क्या हो गई? फिक्स। अब एंडी जरा तेरी बात कर लेते हैं, उससे भी कुछ कंसेप्ट निकल के आएंगे ना, बढ़िया लगेगा। जो तू कह रहा था, सुनो, एंडी तू सुन बेटा जो है, ये बता कि 0 से लेके 6 सेकंड तक A1 = A2 = A = 2/3 t था। अब ये बता कि ये एक्सलेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है बता, बता ये एक्सलेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है बेटा जो है। दिस एक्सलेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब V=U+AT लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो पता? V=U+AT लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता। देयरफोर V=U+AT ये नहीं लगा सकता। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, याद होगा तेरे को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बताओ क्लियर है या नहीं है? एंडी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तेरे को बेटा जो है। अब चलते हैं 6 सेकंड ऑनवर्ड्स। ए टू की वैल्यू 4 हो गई है और वो फिक्स हो गई है। अब बताओ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब बताओ बेटा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर, नहीं मतलब इसमें V=U+AT लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बताओ V=U+AT लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना V=U+AT, आराम से लगाओ, धड़ल्ले से लगाओ। हाँ, लेकिन जो A1 है वो कितना था जरा बताओ? जो है 2t - 8 था मेरे ख्याल से, क्यों? ये 2t - 8 था, इसका मतलब इसमें फंक्शन ऑफ टाइम आ गया फिर से। तो अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बता सारी की सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई बता? एंडी पता बेटा सारी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा जो है। तो ये ध्यान रखना, तीन चीजें होती हैं, बिल्कुल बेटा कंफ्यूज मत हो ना। एक होता है एक्सेलेरेशन 0, तो इसमें फिर होता है V=कांस्टेंट, S=VT कह दो। एक होता है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, इसमें फिर V=U+AT लगाते हो,
और एक होता है एक्सीलेशन फंक्शन ऑफ टाइम। अब समझ में आया? इसमें फिर करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो इसको बिल्कुल भी वो मत करना। हाँ यही तो असली जड़ है बेटा, जो है असली जड़ यही है बस। ये कहना, तो आज चलो एक काम करते हैं कि नया कुछ नहीं शुरू करते हैं अभी, आज कुछ नया शुरू नहीं करते हैं, और कुछ जनरल कुछ पूछना है तो पूछ ले, बस ये ध्यान रखना बेटा ये क्या है जो है इसमें, समझ गया ना? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो एस है वो फिर इंटीग्रेशन वी डीटी से होगा। एनडी समझ में आ रहा है बेटा? हर चीज में देखते रहना, एक्सेलेशन तीन टाइप के हो सकते हैं बेटा, जीरो एक्सेलेशन, कांस्टेंट एक्सेलेशन या वेरिएबल एक्सेलेशन, और डिस्प्लेसमेंट के फिर तीन तरीके जो है, एक बार मैंने मिहिका को भी बताया था मेरे ख्याल से, ये और या फिर ये। चलो बाकी फिर नेक्स्ट उस पे करते हैं, ठीक है? तो इसको टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि अगली प्रॉब्लम थोड़ा टाइम लेगी। पर अब तुम्हारी क्लास होगी सीधे 15 से 20 तक, कोई क्लास नहीं होगी बेटा। ओके बाय, थैंक यू। एंड नहीं अभी है गोपी, अभी है, चिंता मत कर, आराम आराम से करते हैं, इतनी जल्दी गया है क्यों? अभी तो फ्रिक्शन की और प्रॉब्लम कराऊंगा, है ना? अभी फ्रिक्शन की और प्रॉब्लम कराऊंगा, चिंता मत कर। ओके बाय, थैंक यू।